सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। गाइज, इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी जो है सैक्शन हो चुकी है, यानी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। स्टाफ नर्स के सिमिलर पोस्ट रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है बम्पर वैकेंसी है 3393 यानी 3400 के आसपास पोस्ट रहने वाली है। गाइस, सबसे बड़ा मौका है नर्सिंग में। यदि आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड हर एक न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, पास बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर क्लिक कर दें। साथ ही साथ रेलवे में जो है, मैंने कल मेडिकल विभाग की वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर जिसमें जो है रेडियोलॉजिस्ट वगैरह, एनेस्थीसिया, सारी वैकेंसी की न्यूज़ आपको दी। आज जो है नर्सिंग की जो है रेलवे की वैकेंसी की पीडीएफ जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3468 पोस्ट के लिए, वो भी आउट होने वाली है। जैसे ही आउट हो जाएगी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, चलिए अपन सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं। तो द इन द रेफरेंस फॉर सिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन MLHP पोस्ट फॉर द अपग्रेडिंग ऑफ द हेल्थ सब सेंटर्स एंड सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, सीधे आ जाते हैं अपन इसकी जो है ऑफिशियली जो कहाँ का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट। सबसे पहले मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, उसके सिमिलर पोस्ट हैं, नाम अलग है। 3393 जो है पोस्ट हैं, इसमें जो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग हॉस्पिटल के हिसाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है, जोन के हिसाब से है। तो पूरी पीडीएफ आपको पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाए, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करें, वहाँ पर आपको वो चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, मस्ट हैव स्टडी सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर द कम्युनिटी हेल्थ CPCH एंड इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन द बीएससी एंड नर्सिंग। दिस इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एंड नो कैंडिडेट विल बी कंसिडर इन द एब्सेंस ऑफ सैम। मस्ट नॉट हैव कम्प्लीट 35 ईयर यानी 35 साल का जो है इसमें एज लिमिट रखी गई है। BCSC और ST के लिए जो है, और उसके अलावा PH के लिए 40 ईयर जो रखी गई है। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, और अब जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, मार्क्स ऑब्टेन BSc नर्सिंग में आप कितने मार्क्स है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रीजनल डायरेक्टर ऑफ द मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल बी कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसेस एज पर द गाइडलाइन एंड इश्यू अपॉइंटमेंट ऑर्डर इन द सेलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, अपन बात करेंगे नीचे, पोस्ट एप्लीकेशन सेल भी सबमिटेड ऑनलाइन, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कैसे भरना है, कैंडिडेट सेल सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट hmfw.ap.government.in या फिर cfw.ap.nic.in। यहाँ पर आपको जाना है, वहाँ से अपना जो है फॉर्म सबमिट करना। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 23 तारीख को आया है, लास्ट डेट रहेगी इसकी ऑनलाइन अप्लाई की तो 6/11 से पहले आप जो है जल्दी से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने आप ऊपर बता दी, वहाँ पर जाइएगा और जल्दी से जो है अपना फॉर्म भर दीजिएगा। वैकेंसी कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हेल्थ मिशन AP ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। ठीक है, जोन 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर आपको सबसे पहले फोटो लगाना ऊपर, फिर नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, पूरा फॉर्म जो है आपको भर के ऑनलाइन ही सबमिट करना है, और 6 तारीख से जो आने वाली 6 नवंबर उससे पहले सबमिट करना है। गाइस, बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका आप सबके लिए, 3393 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बड़ा जो है मौका है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर जो है बहुत जल्द आपके लिए रेलवे से बड़ी खुशखबरी हम जो है इस चैनल पर लेके आएंगे, जैसे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके साथ साथ पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी वैकेंसी की न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसके अलावा एक हमारा नया चैनल पीजे वैकेंसी हब, जी हाँ, आपको यूट्यूब पर जाना है, पीजे वैकेंसी हब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ से एम्स नर्सिंग वैकेंसी, इसके अलावा ESIC वैकेंसी और जो है रेलवे की वैकेंसी, सभी सेंट्रल वैकेंसी की न्यूज़ आपको सबसे पहले वहाँ पर मिलती रहेगी, और बहुत सारे वीडियोज़ भी वहाँ पर आए हुए हैं, तो आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च करके भी कर सकते हैं या फिर लिंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। गाइस, यदि आपको जानकारी पसंद है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कीमती सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट जरूर करें। सारे लोग जो भी देख रहे हैं, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।